अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और अब हम कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर में हम देखेंगे कि आप हार्डवेयर को कैसे असेंबल कर सकते हो। अगर आपने रैम लगानी है तो आप रैम को कैसे लगाओगे अपने हार्डवेयर में, अपने मदरबोर्ड के ऊपर रैम को कैसे लगाओगे, रैम्स के लिए कौन सी स्लॉट्स होती हैं, इसके अलावा पोर्ट क्या होती हैं, प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर को कहाँ लगाया जाता है, प्रोसेसर फैन क्या होता है, ब्रिज क्या होता है, बायोस क्या होता है, बायोस की सेटिंग कैसे की जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में, इसके अलावा बैड सेक्टर को कैसे रिमूव किया जाता है आपके कंप्यूटर से, आप न्यू पार्टीशंस कैसे क्रिएट करते हैं, पार्टीशन को वाइप कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, फॉर्मेट कैसे करते हैं, इन सब चीजों के ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर में जो कोर्स है। इसमें हम कंप्लीट एक कंप्यूटर बॉक्स जो होता है उसके अंदर हर एक चीज को असेंबल करना सीखेंगे, देखेंगे कि आप मदरबोर्ड कैसे लगाते हो, मदरबोर्ड के ऊपर आपने पावर सप्लाई कैसे लगानी है, पावर सप्लाई को कनेक्शन कैसे फॉर्म करना है, रैम कैसे लगाओगे, हार्ड डिस्क कैसे लगाओगे, फ्लॉपी डिस्क अगर है तो वो कैसे लगाओगे, पोर्ट्स कैसे लगाओगे, सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इंट्रोडक्शन भी देखेंगे कंप्यूटर का, कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर में कंप्यूटर की टाइप्स क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, इन सब चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन नंबर फर्स्ट है, आज के इस लेसन में हम देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, कंप्यूटर कैसे वजूद में आया। तो अपने लेसन की तरफ चलते हैं कि लेसन में पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कंप्यूटर का। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो कि इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करती है। इनपुट डेटा वो वाला डेटा होता है जो आप खुद देते हो, कंप्यूटर हर काम करता है, सिर्फ इनपुट कंप्यूटर खुद नहीं देता, इनपुट इंसान देता है कंप्यूटर को और कंप्यूटर उस पर आगे प्रोसेस करता है और फिर उसका आउटपुट रिजल्ट फॉर्म करता है। तो कंप्यूटर इनपुट डेटा को एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेस करता है और फिर हमें उसका रिजल्ट फॉर्म करता है आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। कंप्यूटर जो प्रोसेस कर रहा होता है वो प्रोसेस भी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक करता है कि आपने कंप्यूटर को क्या इंस्ट्रक्शन दिए, क्योंकि कंप्यूटर को जब हम इनपुट देते हैं तो हम उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। इनपुट में दे रहा हूं, सॉन्ग प्ले कर रहा हूं तो मेरी इनपुट है, तो अब मैं सॉन्ग प्ले करूंगा तो कंप्यूटर कभी प्रिंट निकाल के नहीं देगा, वो सॉन्ग ही प्ले करेगा और हमें आउटपुट जो परफॉर्म करेगा वो स्पीकर के ऊपर आउटपुट परफॉर्म करेगा, क्योंकि सॉन्ग जो होते हैं उनकी आवाज जो होती है वो स्पीकर से निकलती है, स्पीकर के ऊपर हमें परफॉर्म करेगा आवाज साउंड। और अगर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनपुट देते हैं कि ये प्रिंट निकाल के दे, तो कंप्यूटर आउटपुट से हमें प्रिंट निकाल के देगा। तो कंप्यूटर को हमने इनपुट दिया, डेटा दिया, इनपुट क्या दिया हमने कि प्रिंट निकाल के दे, कंप्यूटर ने इसके ऊपर प्रोसेस किया और फिर हमें उसने प्रिंट निकाल के दे दिया जो कि आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास प्रिंट सामने आ गया। तो ये होता है कंप्यूटर जो कि तीन मरलों से गुजर के आपस काम करते हैं, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। कंप्यूटर में जो मेन इसके बेसिक फंक्शन होते हैं उनमें इनपुट फंक्शन होता है जो कि इंसान खुद परफॉर्म करता है और वो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू करते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, इनपुट डिवाइसेस आपका माउस इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड, माइक, स्कैनर, ये सारी इनपुट डिवाइसेस होती है।
इनपुट के बाद ये प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस में जो होते हैं आपके सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके आगे फर्दर यूनिट्स हैं जिनमें कंट्रोल यूनिट आ जाती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आ जाती है, मेमोरी यूनिट आ जाती है। तो इन सब यूनिट्स के अपने अपने काम है, अपने अपने फंक्शन है। तो इनमें हम फर्दर डिटेल से हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। उस वक्त कंप्यूटर हमें आउटपुट भी, इसकी एक बेसिक फंक्शन है और मेन इसके फंक्शन है आउटपुट। तो कंप्यूटर आउटपुट ही आपको परफॉर्म करता है, जो कि आपको पेरिफेरल डिवाइसेस में भी आउटपुट परफॉर्म करता है, प्रिंटर में आपको आउटपुट परफॉर्म करता है, उसके अलावा मॉनिटर में आ गया, स्पीकर्स में आ गया, तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। उसके बाद इसके स्टोरेज फंक्शन है, आपके डेटे को स्टोर भी करता है कंप्यूटर और उस डेटे को कंट्रोल भी करता है। डेटे को कंट्रोल कैसे करता है, आपके डेटे में कंपैरिजन करता है, ये इसके अंदर गेट लगे होते हैं, लॉजिक परफॉर्म करता है ये सारा, तो ये कंट्रोलिंग यूनिट आ जाती है। और उसके अलावा स्टोरेज यूनिट क्या है, आपके डेटे को स्टोर करता है, आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर करता है, आपकी रैम के अंदर स्टोर करता है, लेकिन रैम के अंदर परमानेंट स्टोरेज नहीं होती, टेम्परेरी स्टोरेज होती है, कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। कंट्रोलिंग में आपकी ये कंप्यूटर जो होता है ये आपके वोल्टेज को कंट्रोल करता है, डेटा ट्रेवल को कंट्रोल करता है। वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, करंट कंट्रोल करने के लिए पावर सप्लाई यूज होती है, वो भी कंट्रोलिंग यूनिट आ जाती है। तो इस तरह आपके डेटा को कंट्रोल करता है और कंपैरिजन परफॉर्म करता है, इसमें कुछ लॉजिक ऑपरेशंस काम परफॉर्म करता है, तो ये कंट्रोलिंग यूनिट्स आ जाती हैं। इसके बेसिक कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है वो तीन कंपोनेंट होते हैं, इनपुट, सीपीयू एंड आउटपुट। इसके ऊपर भी हम कंप्लीट डिटेल से देखेंगे। इनपुट यूनिट जो होती हैं कौन कौन सी होती हैं, उनसे कैसे काम किया जाता है। सीपीयू जो होता है इसकी कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आगे, और इसकी आउटपुट के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि आउटपुट क्या होता है और ये कैसे आउटपुट रिजल्ट फॉर्म करता है। तो ये था जी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। अब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखते हैं, कंप्यूटर कैसे वजूद में आया। सबसे पहले कंप्यूटर 15th सेंचुरी में, अगर आप 500 साल पहले चले जाओ तो उस टाइम कंप्यूटर नहीं था, और उसके बाद 15th सेंचुरी में आपके पास कंप्यूटर इजाद हुआ था। जो फर्स्ट कंप्यूटर इजाद हुआ था वो चाइना ने इजाद किया था, और उस कंप्यूटर का नाम था अबाकस। तो अबाकस जो कंप्यूटर था ये ऐसा कंप्यूटर था, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। आप इससे एज अ कैलकुलेटर यूज कर सकते थे, और ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करता था, नॉर्मल सी कैलकुलेशन होती थी इसमें, क्योंकि उस टाइम वो जो दौर था उस दौर में जितनी कैलकुलेशन के लिए जो चीज चाहिए थी वो उस टाइम इजाद हुई। जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की तो कंप्यूटर में और भी चेंजिंग आती रही और कंप्यूटर एडवांस होता गया। तो अबाकस जो थी मशीन जो थी, या फिर अबाकस कंप्यूटर जो था, ये एक लकड़ी के ऊपर बीड्स लगी हुई होती थी छोटी छोटी, जिनके ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते थे। तो आपको नजर आ रहा होगा कि अबाकस कंप्यूटर जो था वो कैसा था, या आपके पास जो फर्स्ट कंप्यूटर था अबाकस, और आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है। तो ये लकड़ी के ऊपर स्मॉल बीड्स लगी हुई होती थी जिससे इंसान कैलकुलेशन करता था, और ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होती थी, ज्यादा से ज्यादा अगर होती तो हजारों के हिसाब से होती थी, या फिर 1000 हो गई, 800 हो गए, 900, इतनी कैलकुलेशन होती थी। उसके बाद एक कंप्यूटर नया इजाद हुआ जो कि कंप्लीट मैकेनिकल के ऊपर काम करता था। ये कंप्यूटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट थे, मिस्टर चार्ल्स नाम था उनका, इंग्लिश मैथमेटिशियन साइंटिस्ट थे मिस्टर चार्ल्स, और इन्होंने एक कंप्यूटर इजाद किया था जिस कंप्यूटर का नाम था डिफरेंस इंजन। बाद में इसका नाम चेंज हो गया था। तो जो डिफरेंस इंजन कंप्यूटर था ये मैकेनिकल के ऊपर काम करता था, इसके लिए वर्कर बहुत ज्यादा चाहिए होते थे, क्योंकि ये मैकेनिकल टोटल इस पे मैकेनिकल और मैनुअल काम किया जाता था। आप जितना काम करते थे, जितने भी आपने कैलकुलेशन करनी थी, जो कुछ भी करना था, वो उस टाइम मीन 1812 में कंप्यूटर जो ये इजाद हुआ था उस टाइम एक कंप्लीट मैनुअल आप काम करते थे, और इस पे टोटली जो है मैकेनिकल के ऊपर काम होता था।
इस कंप्यूटर का नाम बाद में चेंज हो गया था, जो कि एक बाइबिट ने इसका नाम चेंज करके एनालिटिक इंजन रख के था, इसका नाम चेंज किया था। तो डिफरेंस इंजन नाम इसका इसलिए दिया जा गया था क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के इंजन लगे हुए होते थे जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड थे, और उनसे ये काम, ये कंप्यूटर काम करता था। फिर इसके बाद में एनालिटिक इंजन इसका नाम रख दिया था, और एनालिटिक इंजन जब इसका नाम रखा गया तो उसमें इसमें कुछ चीजें और भी ऐड की गई थी, जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ पहले जो कंप्यूटर था, डिफरेंस इंजन जो कंप्यूटर था, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए काम करता था, कैलकुलेटिंग करता था। तो ये वाला जो नया कंप्यूटर आया एनालिटिक इंजन, तो इसमें एक तो कैलकुलेशन की एबिलिटी थी, उसके अलावा ये अर्थमेटिक और अल्जेब्रिक फार्मूलाज दोनों के ऊपर काम कर सकता था। ये कंप्यूटर जो होता था ये डेटे को स्टोर भी करता था और इसका प्रिंट भी निकाल सकता था, लेकिन ये काम भी मैनुअल होते थे। ये जो कंप्यूटर होता था, डिफरेंस इंजन या फिर एनालिटिक इंजन जो कंप्यूटर था, इसका प्रोसेस बहुत स्लो होता था, ये बहुत आहिस्ता काम करता था, और ये डेटे को स्टोर बहुत आहिस्ता करता था, इसकी स्पीड बहुत कम थी इस कंप्यूटर की। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वजूद में आई और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड एक कंप्यूटर बना। तो ये कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर था उस टाइम, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक वजूद में आई थी। तो ये कंप्यूटर जो था ये 1946 में जॉन मोचली एंड जेपी एकेट ने कंप्यूटर डिजाइन किया था, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, एनेक नाम था इस कंप्यूटर का। तो ये कंप्यूटर जो था ये इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल में बहुत ज्यादा यूज होता था, और उस टाइम बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये कंप्यूटर था, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर का साइज थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि पहले जो कंप्यूटर था वो टोटली मैकेनिकल के ऊपर चलता था, उसका साइज बहुत बड़ा था, इसका साइज थोड़ा कम हो गया था इस कंप्यूटर का, और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और कामयाब कंप्यूटर था उस दौर में। इस कंप्यूटर में कुछ खामियां थी, वो क्या क्या थी, कुछ खूबियां थी कुछ खामियां थी। एक तो ये डेटे को प्रोसेस जो एनालिटिक इंजन जो कंप्यूटर थे उनके मुताबिक ये डेटे का जो था सीरियल लाइन प्रोसेसिंग करता था, और इसकी स्पीड थोड़ी सी उससे इंप्रूव हो गई थी, स्पीड इसकी अच्छी थी। डिफरेंस इंजन जो कंप्यूटर था वो डेटे को स्टोर करता था, जबकि एनिक जो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर जो कंप्यूटर है ये डेटे को स्टोर नहीं करता था, इसमें स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी इस कंप्यूटर में। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें तरक्की की और इसमें स्टोरेज फैसिलिटी भी आ गई, और इसी कंप्यूटर में आहिस्ता आहिस्ता इसके प्रोसेसर चेंज होते रहे, उसके ऊपर हम आगे डिटेल से देखेंगे, और इसमें और भी चेंजिंग आती रही आहिस्ता आहिस्ता। और इसके अलावा ये जो कंप्यूटर होता था ये बाइनरी के अलावा ये डेसिमल नंबर के ऊपर काम करता था, कंप्लीटली डेसिमल के ऊपर काम करता था। मैं यूं समझे कि ये कंप्यूटर जो था ये डिजिटल कंप्यूटर नहीं था, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं वो बाइनरी के ऊपर काम करते हैं, तो ये डेसिमल के ऊपर काम करता था। तो ये आपका कंप्यूटर था जी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फिर एक और कंप्यूटर इजाद हुआ जो कि जॉन वॉन न्यूमन्स एक साइंटिस्ट था, इसने एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इजाद किया था 1950 में। ये कंप्यूटर भी उस टाइम बहुत ज्यादा यूज होने शुरू हो गया था, और इस कंप्यूटर का साइज थोड़ा कम हो गया था प्रीवियस कंप्यूटर से, एनिक कंप्यूटर से इसका साइज थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड जो कंप्यूटर था उससे इसका साइज थोड़ा कम हो गया था, उसका साइज थोड़ा ज्यादा था, और वो डेटे को स्टोर भी नहीं करता था, ये कंप्यूटर डेटे को स्टोर भी करता था। इसका प्रोसेस थोड़ा ज्यादा, मेन प्रोसेसिंग इसकी अच्छी हो गई थी, ये डेटे को जल्दी प्रोसेस करता था, स्पीड भी इसकी थोड़ी अच्छी हो गई थी, उससे बेहतर हो गई थी। और ये जो कंप्यूटर था ये डिस्क्रीट वैल्यूएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, ये डिस्क्रीट वैल्यूएबल वैल्यूज के ऊपर ये काम करता था ये कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर आपके सामने है, देख सकते हैं आप।
और इसमें के लिए वर्कर कम चाहिए होते थे, और ये आपका ऑटोमेटिक कंप्यूटर था और ऑटोमेटिकली आप इसे ऑपरेट कर सकते थे, जबकि आपका जो एनालिटिक इंजन कंप्यूटर था वो मैनुअल ऑपरेट कंप्यूटर था, उसके लिए वर्कर बहुत ज़्यादा चाहिए होते थे, इसके लिए वर्कर कम चाहिए होते हैं, और ये उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक इजाद होने की वजह से इसका साइज थोड़ा सा कम हो गया था। जबकि एनालिटिक इंजन जो कंप्यूटर होते थे इनके लिए बड़े बड़े हाल चाहिए होते थे, और उन हाल में इन कंप्यूटर को कूलिंग फॉर्म करने के लिए बड़े बड़े एसी चाहिए होते थे, एयर कंडीशनर वहाँ पे यूज़ होते थे जो कि इनको इनके लिए कूलिंग फॉर्म करते थे इनको। तो ये कंप्यूटर इसका साइज थोड़ा कम हो गया था और इसकी स्पीड भी अच्छी हो गई थी, और ये 1950 में ये कंप्यूटर ईजाद हुआ था। स्टूडेंट्स, ये थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे वजूद में आया। आगे फर्दर इसमें कंप्यूटर जो है जैसे जैसे और साइंस ने तरक्की की तो कंप्यूटर का साइज और भी कम होता गया, और आजकल आप देखें तो आपका मोबाइल जो है वो भी एक कंप्यूटर है, स्मॉल कंप्यूटर है वो, लैपटॉप आ गए आगे। आजकल तो बहुत ज्यादा कंप्यूटर का ही दौर ही कंप्यूटर का, और कंप्यूटर ने कितनी ज्यादा तरक्की कर ली, और इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेसन में कि आपका कंप्यूटर कैसे इसमें चेंजिंग आती रही, और ये कैसे कंप्यूटर जो आपका आज के कंप्यूटर तक पहुंचा। आज जो आपका प्रोसेसर यूज हो रहा है, प्रोसेसर से पहले कंप्यूटर में क्या क्या चीजें यूज होती थी और वो कैसे काम करता था कंप्यूटर, तो कंप्लीट डिटेल्स इन चीजों पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।